नंबर 113, मर्द औरत दोनों कमाएंगे, मर्द भी कमाएगा औरत भी कमाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकूमु सा हत्ता तत्तजिरल मरअतु व ज़ौजुहा, क़यामत क़ायम नहीं होगी यहाँ तक कि औरत भी तिजारत करेगी, उसका शोहर भी तिजारत करेगा। ये रिवायत इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक अला सहीहैन में नकल की। इमाम हाकिम और ज़हबी फरमाते हैं कि रिवाज सही है। इस हदीस में आपने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मर्द और औरत तिजारत न करें। आज हम देख रहे हैं ये भी हो रहा है, मर्द भी तिजारत कर रहा है, औरत भी तिजारत कर रही है। औरत तो औरत, आज तो बेटियां भी तिजारत कर रही हैं, आज तो बहनें भी तिजारत कर रही हैं। बस नहीं चलता है इंसान का, वरना तो वो घर के अंदर बूढ़ी अम्मा को भी किसी फैक्ट्री में लगा दे। हया का फुकदान, गैरत का फुकदान, शर्म व हया की कमी, माल और दौलत की हिर्स व हवस, कि जिस माँ बहन बेटी को घर में होना चाहिए था, घर की चार दीवारी जिसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत का जरिया था, आज उसने सबको घरों से निकाल दिया, पैसा जमा हो जाए। जब इंसान का अल्लाह से ताल्लुक कमज़ोर हो जाता है, फिर वो दुनिया और माल का हरीस बन जाता है, उसके सामने फिर किसी चीज़ की निगाह नहीं होती, पैसे की अहमियत होती है, बस पैसा बढ़ता जाए। वो देख रहा है मेरी घरवाली निकल कर कितनी फैक्ट्रियों में जा रही है, कितने गैर महरूमों की निगाह पड़ रही, नीम बरहना लिबास पहनाया हुआ है, कितने हैं जो गलत निगाहें इनकी तरफ डाल रहे, फिर कितनी ही माँ बहन बेटियाँ फितनों का शिकार हो जाती, उनकी इज्जतें दागदार हो जाती हैं, फिर इंसान माशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहता। वह इशारा इस तरफ है कि दुनिया के हिर्स व हवस बढ़ेगी, मर्द तो मर्द औरत भी तिजारत में लग जाएंगी।